20% लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हैं। 7 स्टेट के लोगों ने बिहार में जाकर इस फिल्म को शूट किया था। तो ये खुशी का पल है कि हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर टीनू वर्मा सर हैं, उनके जोरदार तालियां। हमारे साथ फिल्म की हीरोइन जो कि आसाम से है भूमिका कलिता जी, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ है मिस्टर महेंद्र मौर्य साहब जो मुंबई के बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। हमारे साथ है नटवर लाल जय मेहता जी गुजरात से हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बिल्डर हैं बॉम्बे के। हमारे साथ संजय अग्रवाल साहब हैं जो गार्जियन है इस फिल्म के, अच्छा लगता है, अच्छा किया है। आपके भाई साहब भी हैं ओम प्रकाश जी अग्रवाल। और हमारे साथ फिल्म जिसमें हीरो के बचपन की भूमिका निभाई है राजवीर सिंह, अपना बेटा है जूनियर सीनियर। यस। और साथ में हमारे साथ हैं जितेंद्र जी जो दिल्ली से आए हैं कलाकार, और हमारे साथ हैं संतोष आनंदपुरी जी, और भी लोग हैं बहुत सारे वहाँ लोग हैं सामने कैमरा के पास। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे अपने सारे लोग आज हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बिहार के बहुत ज़्यादा लोग आज शामिल हैं खुशी के मौके पर। तो हम इस पोस्टर को आप लोगों के सामने अपना आशीर्वाद लेना चाहेंगे लॉन्च करते हुए। नमस्ते लंदन भी मैंने पिक्चर देखी थी जो लंदन में बनी थी। एक हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मिट्टी की बू जो बिहार से आती है वो हमारे राजन जी ही सोच सकते हैं उस सिलसिले में। और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म बनी है जो हिंदुस्तानी बेस है वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई है। चाहे मुगले आजम ले लो, चाहे शोले ले लो, चाहे राजा हिंदुस्तानी ले लो, जितनी पिक्चर हिंदुस्तान पे बेस है, गदर ले लो, बॉर्डर ले लो, सब सुपर। उनमें से मैं चाहता हूँ कि नमस्ते बिहार भी उनके करीब जाके उन तक हिट हो, और राजन जी और भूमिका जी दोनों को एकदम सफलता मिले फिल्म के साथ। मुझे तो क्या टाइट शेड्यूल ऑफ सर, नहीं नहीं नॉट माय फॉल्ट, नहीं 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 झूठ बोल रहा राजा जी, झूठ बोल नहीं सर, मैं सच अभी आप प्रेस में बोलूंगा। भाई साहब आए राजन जी, इज वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी गुड फैमिली फ्रेंड। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई ये है, और इसमें आपका महेंद्र सिंह या कोई क्या बोला था, गेंदा सिंह का रोल था ये वो। तो मैं बड़ा एक्साइट, चलो राजन जी बोल रहे तो बिहार में जाएंगे। तो मैंने बोला राजन जी मेरा खाने का बड़ा शौकीन हूँ, बोला राजन जी मेरा बॉय, बोला नहीं मैं आपके सामने बॉय की लाइन लगा दूंगा ये वो।
राजन जी बोल के पूरा पंप करके चले गए और मेरे मेरा वर्कआउट चालू हुआ, भाई गेंदा लगने चाहिए पावरफुल, राजन जी से एक्शन होगा और उसी का नतीजा मैं इतने एक्सेल करके फिट हो गया। तो ग्रेट पिक्चर तो नहीं किया लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया। फायदा देखिए नमस्ते बिहार का, और नमस्ते बिहार का। और जब ये वहाँ से फिर इनकी मुलाकात हुई, इनके जो वाइफ है कल्पना जी, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, मैंने कल्पना जी तो मिलने गया तो राजन जी मिल गए। बोला राजन जी वो क्या हुआ? बोला नहीं वो पिक्चर बन गई, खत्म भी हो गई और उसका लॉन्च पोस्टर आपको करना है और मैं यहाँ बैठा हूँ पोस्टर लॉन्च करने, फिल्म की शूटिंग नहीं की मैंने, नेक्स्ट फिल्म में अभी इनको पकड़ूंगा मैं। तो बिल्कुल जैसा कि आप सब जानते हैं टीनू सर बहुत बिजी कलाकार हैं और हमने पूरा शेड्यूल जो बिहार का किया था ऐसे में सर का उस समय सर पोरस कर रहे हैं, काली और काली है, बहुत सारे सीरियल का लाइनअप था तो डेट अच्छा प्रोड्यूसर के तौर पर बहुत नया अनुभव है मेरा, क्योंकि सर को खड़ा करना कैमरे के सामने उस तरीके से हमें सारा अरेंजमेंट करना होता है। तो हमने सर का शेड्यूल देखा, चेक किया, बात की तो लगा कि हम सर के साथ जब बॉम्बे का शूट करेंगे तो उसमें ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेंगे और यही वजह है कि इस फिल्म में नमस्ते बिहार में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को चांस मिला है जो किरदार सर कर रहे थे, जिसने इसको किया है इस किरदार को, उनका नाम है महंत देवनायक दास, जस्टिफाई किया है उसने और सर खुद उसको बधाई देंगे, वो बॉम्बे अभी डब करके गए हैं यहाँ से। तो सर हमारे गार्जियन हैं, हमारे अपने हैं, हमसे कोई खता होती है तो बिल्कुल हम माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन फिल्म आपकी है, नमस्ते बिहार सिर्फ बिहार की फिल्म नहीं है, ये देश की फिल्म है, आपकी फिल्म है, हिंदी फिल्म है ये। तो सर बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म देखकर आपको। कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का है राजन जी का, पढ़ा नहीं आपने कॉन्सेप्ट एंड प्रोड्यूस बाय? हाँ मैंने एक कविता लिखी थी, मैं बिहार हूँ, तो मेरे जहन में हमेशा ये था कि बिहार को लेकर जितनी फिल्में बनी हैं कहीं ना कहीं उसमें उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को प्रेजेंट करता है। तो इस फिल्म के थ्रू हमने नमस्ते बिहार, जैसा हमारा टाइटल है, हमने कोशिश की है कि देखने वाले दर्शक बिहार को एक बार दोबारा नमस्ते करने को मजबूर हो जाए। और इस मुहिम में हमारा जो साथ दिया है वो क्राइम जर्नलिस्ट जो इस फिल्म में भूमिका कलिता जी रेशमी सिन्हा का किरदार कर रही हैं, उनका उन्हीं के ऊपर ये पूरी फिल्म है। वो अगर नमस्ते बिहार नामक एक अखबार के लिए काम करती हैं वो, और हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं, बिहार के खिलाफ जो भी आवाज़ गलत आवाज़ उठती है उसके लिए ये लड़ती हैं वहाँ, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में जो हमारे फिल्म का हीरो डब्लू है वो फिर मोर्चा खोलता है और इनको सही सलामत बचाता है और फिर मिशन में कामयाब होते हैं ये। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फोकस रहा है कि नमस्ते बिहार दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ ही साथ एक सोशल मैसेज दे जाए कि बिहार आज भी सच में बहुत खूबसूरत राज्य है जहां आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, अब भी आप जाकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं वहां जैसे भगवान बुद्ध को मिला था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये फिल्म, इसके सारे स्टार कास्ट बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसा कि मैंने कहा कि 7 स्टेट से लोग टेक्निकल लोग इसमें जुड़कर काम किए, एक्शन डायरेक्टर हमारे दामोदर माँ चेन्नई से थे, जो कैमरामैन अनिल वाघेला है वो राजकोट गुजरात से अपनी टीम के साथ आए थे, इसमें जो हमारे डांस डायरेक्टर हैं वो बॉम्बे से गए हुए थे, आसाम से भूमिका कलिता जी डायरेक्टली, इनकी डेब्यू फिल्म है ये, कई ऑडिशंस के बाद हमने इनको सेलेक्ट किया क्योंकि बिल्कुल एक अलग हट के आम लोगों से मिलता जुलता कैरेक्टर इनका है रेशमि सिन्हा का, जो एक कद्दाव। अगर हम मुंगेर की बात करें तो वहाँ पर अंगिका है, आगे बढ़ें तो मैथिली भोजपुरी बहुत सारी भाषाएं वहाँ समाहित हैं बिहार में, लेकिन हिंदी सब लोग बोलते हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना एक जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उस भाषा में फिल्म की जाए, और यही वजह है कि हिंदी सबके लिए कंफर्टेबल है, सिर्फ बिहार ही क्यों, नमस्ते बिहार को जब हरियाणा में बैठे हुए लोग देखेंगे, दिल्ली में बैठे हुए लोग देखेंगे, लंदन में रह रहे भारत के लोग देखेंगे तो हिंदी उनके लिए सहज होगा, यही वजह है कि हमने हिंदी भाषा का चुनाव किया और सभी कलाकारों ने एंजॉय किया इसको। डेफिनेटली प्रोड्यूसर आपने मुझे कहा, मैं नाम मात्र का प्रोड्यूसर हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं देख रहे हैं इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था, सबने अपना बेस्ट दिया इस फिल्म को। ऐसे में मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो
बिल्कुल अनजान था मैं एज ए प्रोड्यूसर. फिल्म की इस जर्नी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को दिया और जो भी डिफ़िकल्टीज आई हमने खुलकर अपने ग्रुप के साथ शेयर किया. सबसे बड़ी घटना ये रही कि हमारी हीरोइन साहिबा को स्विमिंग करना नहीं आता है और इनको पानी से बहुत लगाव है. जिस बड़े तालाब में हम शूट कर रहे थे ये एक्साइटेड होकर, इनको जंप करना था, पानी में जंप कर गई और लिटरली ये डूब रही थी, वहाँ पर डूब गई थी ये. अब यूनिट के लोग तो जो बिहाइंड कैमरा है वो लोग घबराए हुए थे. ऐसे में पता नहीं हीरो के अंदर कहाँ से एनर्जी आई और वो उसी कॉस्ट्यूम में कूद कर इनको, ठीक है ना, इनका नाखून भी लगा हमें, जो कहते ना बचाने के क्रम में जो हो जाता है. तो ये एक उम्दा एक्सपीरियंस था जहाँ हमने कम से कम इनको डूबने से बचा लिया. ये खुशी का एक पल था उस वक्त में. ये बड़ी घटना थी. छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं ट्रैवलिंग में, लेकिन एज सच कोई भी ऐसी मुश्किलात नहीं आए जिसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करें. पोस्टर लॉन्च है एंड काफ़ी खुशी का माहौल है ये. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हमारा सेकेंड पोस्टर लॉन्च हो रहा है. एंड इस फिल्म में मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि काफ़ी ब्रेव है एंड इट्स वेरी करेजियस कैरेक्टर है. एंड आई एन्जॉयड अ लॉट क्योंकि जर्नलिज्म कितनी डिफ़िकल्ट है, इट्स अ जॉब, वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. उस चीज़ को मैं दिखा पाई हूँ लोगों को. एंड येस आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बिल्कुल, मैंने रिसर्च तो बहुत सारा किया है एक्चुअली. आई यूज टू वॉच दोज न्यूज़ वीडियोज़ एंड ऑल. मैं कुछ मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स भी थे जिनके साथ मैं आउट जाती थी, उन लोगों के साथ उन लोगों के काम पे जाती थी, देखती थी कि कैसे वो लोग अपना काम कर रहे हैं, कैसे वो लोग अपना ये रोल प्ले कर रहे हैं अपने फील्ड में. सो या दैट्स हेल्प मी अ लॉट. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उससे पहले, रिसर्च करने से पहले, मुझे राजन जी ने बहुत हेल्प किया था इसके लिए क्योंकि ही सजेस्टेड मी हाउ टू रीड द कैरेक्टर, हाउ टू नो अबाउट इट, हाउ टू गेट टू गेट टू नो मोर अबाउट इट. सो या इन दैट केस ही हेल्प मी अ लॉट एंड दैट्स हाउ आई डिड. शायद मैंने ऐसा कोई काम किया हो जो मुझे, जिससे मुझे डांट पड़ने की मतलब चांसेस थे, बट आई एम लकी दैट आई गॉट अ वेरी नाइस को एक्टर जो इतने सपोर्टिव है, इतने हेल्पफुल है. एंड वी यूज़ टू डिस्कस बिफोर द सीन्स, वी यूज़ टू डिस्कस कि ये डायलॉग कैसे प्ले करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है. एंड ही यूज़ टू हेल्प मी अ लॉट बिफोर द शूटिंग एंड स्टिल टिल नाउ ही इज़ हेल्पिंग मी एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. जिस बैकग्राउंड से ये आई है वो सच में काबिले तारीफ है क्योंकि इनकी मॉम एक थिएटर एक्ट्रेस हैं. लकली आज हैं हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में वो, और उन्होंने ट्रेंड किया है अपनी बिटिया को. बहुत अच्छे बिहू डांसर हैं आप, क्योंकि नॉर्थ की कहानी है ये, नॉर्थ की कहानी है. ऐसे में भूमिका ने इस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है. संजीदा बहुत ही भावनात्मक तरीके से इसने प्ले किया है, तो बधाई है उनको जो हमने ट्रस्ट किया, हमारी टीम ने इन पर ट्रस्ट किया. क्योंकि बिहार में रह के शूटिंग करना, कई बार ऐसा होता था इतना वेदर हॉट होता था वहाँ, बाकी हीरोइनें अगर होती तो सच मानिए कि बहुत प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन इन्होंने उस एटमॉस्फेयर को अपनाया और जो रिसर्च किया था इन्होंने उस पर काम किया, जिसकी वजह से जो इनका कैरेक्टर है वो रेशमी सिन्हा का काफ़ी जस्टिफाई हुआ है. और बहुत बहुत बधाई आपको अभी से. थैंक यू. माई फर्स्ट विजिट, सो जाने के बाद पता चला कि बिहार कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है और वहाँ का माहौल कितना अच्छा है. सो आई एन्जॉयड इट अ लॉट एंड वहाँ के फैंस, वहाँ के क्राउड से काफ़ी फ्रेंडली सा माहौल बन गया था. मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं एक नए शहर में हूँ, एक न्यू प्लेस, न्यू पीपल, दे आर वेरी फैमिलियर टू मी. तो राजवीर, आप क्या कहना चाहूँगी जिस तरह से पापा के छोटे बचपन का किरदार आपने जो मेरे पापा बने हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम फिल्म था और पापा ने मेरे करियर में एक बिगनिंग दिया है. तो आप भी बड़े होकर स्टार ही बनना चाह रहे हैं पापा के जैसे? या ऑफ कोर्स. तो क्या क्या पापा को आपको कितना कुछ सिखाना पड़ा, कितना कुछ हार्डवर्क करना पड़ा आपके ऊपर इस कैरेक्टर को प्ले करने के? थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ा डायलॉग्स के इसलिए. या हाँ जरूर. डैड बहुत अच्छा चार्ली चैपलिन का एक्ट करते हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि चार्ली चैपलिन का एक्ट, मुझे भी चांस मिले चार्ली चैपलिन 3 बनने का.
इतनी खूबसूरत फिल्म नहीं बना पाते। जब हमने शूटिंग प्लान किया बिहार के लिए तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, वहाँ से परमिशन हमें मिली शूटिंग की, और हमने 30 दिन का शेड्यूल ऑल ओवर बिहार घूम घूम के, जहाँ जहाँ हम गए बिहार के गवर्नमेंट के लोगों ने हमारी बहुत मदद की वहाँ। और इस फिल्म से पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि अब तक लोगों ने बिहार को अलग अलग एंगल से देखा है। हमने जो टॉप एंगल इस्तेमाल किया हर जगह शूट में, तो बिहार बिल्कुल बदला बदला सा नज़र आने वाला है, लोगों को खूबसूरत नज़र आने वाला है। और ये फिल्म का डिमांड भी था, इसलिए हमने बिहार को बहुत खूबसूरती से पेश किया है इस फिल्म में। और बिहार गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखता हूँ मैं, क्योंकि फिल्म बड़ी है, बिना उनके सपोर्ट के हम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट से, उनका अगर सपोर्ट मिल जाता तो डेफिनेटली इस फिल्म के माध्यम से। एक बाप अपने बच्चे को क्या शुभकामना देता है, दिखता नहीं है लोग को, वो आप चली आती है, तो ये होता है अपने शुभकामना। आप सवाल पूछो, लास्ट में मैं सबका एक साथ में जवाब दूंगा। और अरे बाप के नाम के सुनेंगे, नहीं सुनाऊंगा, पूरी दुनिया को मालूम है। नहीं, वही अच्छा ही बताएगा, वो ऐसा थोड़े का मेरा बेटा साला जुआ खेलता है, नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक है, वो ऐसा बोलेगा तो वो जुआ छोड़ के धार्मिक हो जाएगा। क्यों बोलते हैं, एक सिखाने का तरीका है, और ये तरीका मैं अभी आपके सवाल के पहले मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये तरीका है फिल्म। व्हाट इज फिल्म, क्या फिल्म क्या है, आदमी लोग, इंसान लोग, जानवर लोग, जितने जीव है, वो जीव की लाइफ जो है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, वो लाइफ को खास करके ह्यूमन लाइफ को रिप्रोडक्शन करके स्क्रीन पर लाया जाता है। और वो उसका सिखाने का मकसद ये है कि इसमें जो गलतियां हैं वो सुधार लो, वो अच्छाइयां है वो ले लो, और आपको सही माने में एक अच्छा इंसान, गॉडली ह्यूमन बीइंग जिसको बोला जाता है, अच्छा का मतलब ये है। तो मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, एक हिंदी फिल्म के गाने की आधी लाइन है, वो लाइन सबके दिल में आ जावे तो कोई स्टोरी नहीं बचेगी मारा मारी की। वो ये है, बहुत बड़े फेमस एक्टर थे भैया, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, एक ही अर्थ निकलेगा, जीना इसी का नाम है। और नमस्ते बिहार इसी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही है। हाँ, तो फिल्म का जो पैगाम होता है, तो हर एक फिल्म में थोड़ा थोड़ा छोटा कम होता है, तो इन्होंने जो पैगाम दिया है, कॉन्सेंट्रेट किया है एक ऐसे प्रोविंस के ऊपर जो पब्लिक बोलती है बैकवर्ड है प्रोविंस, ये नहीं, लेकिन वो सही नहीं है। मैं बोलता, मैं गुजराती बहुत होशियार, मैं मराठी बहुत होशियार, वो कुछ नहीं है, एवरीबडी सेम, अपना कल्चर है। मैं रोटी दो खाता हूँ, वो बाजरे की रोटी खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई ये खाता है, और गुजराती लोग को भजिया बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसमें कोई ना यस है ना नो है, सब अपने अपने। चाह रहे थे कि राजन का लुक कैसा लगा है नमस्ते बिहार में, मूंछ के साथ पहली बार इस तरीके से अभी बोलिए ना अपना नटू भाई। अब आई कैन नॉट जज मच, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, मेरी 84 इयर्स की उम्र में आज ये शायद चौथी पीढ़ी है एक्टरों के। यस, तो मैं क्या जजमेंट दूँ, एक्टर हमेशा एक्टर होता है, वो छोटा में छोटा मोतीलाल होता है, मोतीलाल करके एक एक्टर था, पता नहीं किसने नाम सुना भी नहीं है, मोतीलाल जी थे ना एक्टर, हाँ वही, वो भगवान का दूसरा अवतार है,
उसमें अच्छा या नहीं होती है, बुरा या नहीं होती है, सिर्फ रियलिटी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार जो कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पोस्टर भी लॉन्च हो गया, दूसरा पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में नमस्ते बिहार फिल्म में मेरा मुनीम का कैरेक्टर है, राजन सर के साथ मेरी दूसरी फिल्म है। फिल्म इससे पहले फिल्म आई थी शहर मसियानी, उसमें ग्रेजुएट चाय वाले का कैरेक्टर था, मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और इस फिल्म में मेरा मुनीम का कैरेक्टर है, जो इस फिल्म में एक गेंदा भाई विलन होते हैं, उनका हिसाब किताब मैं ही देखता हूँ और निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के साथ मैं ही होता हूँ इस फिल्म में। सेंट्रल कैरेक्टर हो। जी 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 जी। एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य शूटिंग के लास्ट डे में मस्ती करने का कि भाई हीरोइन के हाथ से कैसे इनको पिटवाया जाए, तो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक शॉट बनाया कि मुनीम बच जाते हैं लास्ट में और हीरोइन बाद में जो है वो तो एक थप्पड़ लगाती है और निकलती है इनको। एक कॉमेडी सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है और मुझे क्या पता था कि भूमिका सच में रियल कैरेक्टर में आ जाएगी, फाइटर में आ जाएगी, लेकिन इस एक्टर की महानता है कि वो थप्पड़ खाने के बाद भी अपने कैरेक्टर में रहा है और वो शॉट है फिल्म का हिस्सा है जी, आप देखेंगे उस फिल्म में। डायलॉग बोलना चाहूँगा तो डायलॉग्स है इस फिल्म में तो राजवीर अच्छा की शूटिंग यहाँ बॉम्बे में। डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, अब हम एक बचपन के फ्लैशबैक सीन को दिखाएंगे, तो लकली जब शूट किया उसने, उसके डायलॉग्स डिलीवरी में मतलब एक बच्चे कैसे ऑब्जर्व करते हैं आज के डेट में हम सबको, ये उसने दिखाया। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन जो शॉट उसने दिया, वन टेक शॉट था, वो खूबसूरत था, देशभक्ति से ओतप्रोत था। तो हम चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर चाहेंगे कि तमाम लोग ज़रूर अपना आशीर्वाद दें उस बालक को।